जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एमपी पुलिस भर्ती 2020 की बात करेंगे। दोस्तों अभी एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और जो चीज़ नोटिफिकेशन के पहले संभव नहीं है उसे भी लोग इस तरह से बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर देते हैं कि लोगों को लगने लगता है कि 100% ये जानकारी सही है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर नोटिफिकेशन कब तक आएगा और इसके बारे में सही जानकारी आपको कब मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हम यही बता देते हैं कि 4269 पोस्ट में सरकार ने घोषणा की है कि हम मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती करेंगे, लेकिन दोस्तों ट्रेड वाइज अभी इसका विभाजन नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जीडी में टोटल 1500 पोस्ट में ही भर्ती होगी, बहुत कम। और दोस्तों इसको कास्ट वाइज भी बहुत से पोस्टों में वायरल कर दिया गया है, तो नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। और जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक ये आप जान लें कि किस ट्रेड में कितनी भर्ती है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकती है। तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक दोस्तों ये पता नहीं चल सकता है कि कांस्टेबल जीडी में 1500 पोस्ट में भर्ती होगी, कि ड्राइवर में 230 पोस्ट में भर्ती होगी, कि कुक में 340 पोस्ट में भर्ती होगी। दोस्तों ये पूर्णतः फर्जी है, इसे बना के सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया है और सबको यही लग रहा है कि 100% ये सही है। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि हो सकता है कि जो 4269 पोस्टों में भर्ती होनी है तो कांस्टेबल वालों को टोटल 1500 पोस्ट मिले या इससे भी ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पोस्टों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों 4269 पोस्ट में जो भर्ती हो रही है ये बहुत कम है। अगर आपको पता ही होगा कि जब 2018 से पहले सरकार, जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि 6800 पोस्टों में भर्ती करेंगे, लेकिन दोस्तों जब उनकी सरकार पुनः बनी तो दोस्तों पोस्टों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है, 4269। तो दोस्तों ये पोस्ट घट बढ़ भी सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में दोस्तों जो हमें आपको मेन जानकारी यही देनी थी कि जब तक आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता है तब तक दोस्तों किस स्टेट में कितनी पोस्ट हैं और कास्ट वाइज इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकती है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसी में दोस्तों इसके बारे में डिटेल से बताया जाता है, उसके पहले सिर्फ और सिर्फ कितने पोस्ट में भर्ती हो रही है जो दोस्तों सरकार बताती है सिर्फ उसी के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो अभी ऑफिशियल जानकारी है सिर्फ यही है कि सरकार 4269 पोस्ट में भर्ती करने वाली है, ट्रेड वाइज और कास्ट वाइज का अभी विभाजन नहीं हुआ है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। दोस्तों इस वीडियो में टोटल हमें इतनी जानकारी देनी थी, अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।